हेलो एवरीवन, इसके पिछले वीडियो में हमने बॉटम के बारे में डिस्कस किया था और बटम बनाया था। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। आज की वीडियो में हम नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, तो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो मैं सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ और टाइटल में नेव बार दे देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक नेव ले लूँगा क्योंकि हमें नेव बनाना है। ओके, और नेव के अंदर हम लेंगे यूएल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमें देना है लिस्ट में आगे। ओके, इसमें हम देंगे, मैंने दे दिया होम। ओके, और इसके बाद में एक और ले लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल से। मैं इसमें होम दे दिया हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ अबाउट, और इसमें दे दूँगा मैं सर्विस, और इसमें दे दूँगा मैं कॉन्टेक्ट दे दिया, और इसमें मैं दे दूँगा, और लिस्ट में मैं एक और लिस्ट बना लिया हूँ, और इसमें मैं मुझे चाहिए सर्चिंग बॉक्स, मैं सर्चिंग बॉक्स भी बना लेता हूँ। तो इसमें लिस्ट में लेकर हम क्लास दे देंगे, क्लास का नाम दे देंगे सर्च बॉक्स। ओके, मैंने सर्च बॉक्स दे दिया, और इसके बाद हमने इसमें आके इनपुट ले लेना है, इनपुट टैग ले लिया, और टाइप में दे देना है टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट दे दिया, इस नाम को हटा लेंगे, और मैं इसमें दे देता हूँ प्लेस होल्डर। इसमें लिखना है, मुझे देना है सर्च, प्लेस होल्डर में सर्च देना है, तो मैं सर्च दे दिया। इसमें इसका स्पेलिंग गलत हो गया, सर्च, इसमें मुझे सर्च देना है। ओके, तो सर्च दे दिया, उसके बाद हम देखेंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें फाइल बना लिया हूँ स्टाइलिंग का नाम का, और इस स्टाइलिंग फाइल को इसमें लिंक करना है। तो मैं लिंक कर देता हूँ, इसका नाम है style.css। ओके, लिस्ट कर लिया, उसके बाद मैं बॉडी दे दूँगा, बॉडी टैग में मैं इसका मार्जिन कर देता हूँ 0 कर दिया। उसके बाद में इसका फॉन्ट फैमिली में एरियल और सेंस सेरिफ दे दिया। ओके, उसके बाद हम इसका यूएल ले लेंगे, यूएल में डिजाइन करना है। बॉडी हमने गलत लिख दिया था, हम देखेंगे तो फिर हमारा स्टाइलिंग आ गया। ओके, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, यूएल लेंगे, यूएल को टारगेट करेंगे, इसमें यूएल को ले लिया, और इसका जो हमारा बुलेट पॉइंट है ये वाला हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट टाइप इसका नॉन कर देंगे, तो हमारा ये जो बुलेट पॉइंट है ये नहीं दिखेगा। ओके, हट गया, और इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 कर देंगे, मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा साइड में हो गया। ओके, और इसका जो ओवरफ्लो है इसको नॉन कर देंगे, इसका ओवरफ्लो नॉन कर देंगे, यूएल हमारा हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करें, एलआई ले लेंगे, एलआई में हम इसको इसका जो फ्लॉट है, जो हमारा फ्लॉट है उसको लेफ्ट में करना चाहते हैं, तो हमें लेफ्ट में ही रहना है, तो लेफ्ट कर देंगे। और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, तो हमारा ये सेंटर में लाइन बाय लाइन आ जाएगा, ये हमारा सीधा हो गया। ओके, उसके बाद हम इसका कलर देंगे, तो इसका कलर दे देते हैं हम कुछ भी, अभी मैं दे देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ मैं, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा।
ओके, तो उसके बाद मैं इसका जो टेक्स है इसको सेंटर में करूँगा, टेक्स अलाइन सेंटर, टेक्स अलाइन इसका सेंटर कर दिया। और इसका मैं पैडिंग दे देता हूँ 14 पिक्सल और 16 पिक्सल। हमने पैडिंग लगाया तो हमारा कुछ इस प्रकार से स्पेस ले लिया। उसके बाद हम इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको नॉन करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नॉन कर देंगे। और हम इसमें क्या करेंगे, नेम में हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो नेम ले लिया और इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका दे देंगे हम। अभी मैं रेड करके देखता हूँ, डार्क रेड, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं इसका इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया, इसका डिटेल कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया, इसलिए नहीं आ रहा था, हमने वहाँ पे ओवरफ्लो नॉन कर दिया था, इसको एडेंट करना है। ओके, तो हमारा आ गया नेबर का कलर आ गया, वो हमारा नेबर नहीं दिखला क्योंकि हमने इसका कलर ब्लैक कर दिया है। ओके, इसका कलर हमने चेंज करना है वाइट, इसको वाइट कर देंगे, वाइट कर दिया तो हमारा इस प्रकार से दिख रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसमें होवर लगाना है, तो होवर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे li और li ले लिया, li होवर, होवर करें तो हमारा बैकग्राउंड कलर कलर ग्रे हो जाए, ग्रे तो हमने ग्रे दे दिया। ओके, इसको देख रहे हैं तो हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो हमारा कलर इसका ग्रे हो जा रहा है। ओके, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, तो हमने ग्रे दे दिया। यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो हमारा ग्रे कलर आ रहा है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार ब्लू लगाता हूँ तो हमारा ब्लू आ जाएगा, ब्लू आ रहा है। ओके, ब्लू आ रहा है, मैं इसको ग्रे ही रहने देता हूँ, ग्रे। ओके, आप इसका भी कलर, बैकग्राउंड नेबर का भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं रेड दे देता हूँ तो हमारा कुछ इस प्रकार से रेड आ जाएगा, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से दे सकते हो। मैं अभी इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। ओके, तो हमारा ब्लैक आ गया। वो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा सर्च बार है इसको डिजाइन करेंगे। सर्च बार डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसका सर्च बार में इसमें क्लास लिए हैं तो क्लास का नाम है बॉक्स, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। टाइप इसका नाम गलत दिया था और यहाँ पे डॉट दे दूँगा और इसका बॉक्स ले लूँगा, बॉक्स। और उसके बाद इसमें हम इनपुट, इनपुट में अंदर इसका डिज़ाइन करना है तो इनपुट ले लेंगे और इसका टाइप, टाइप ले लेंगे, टाइप हमारा क्या है, टेक्स्ट। ओके, तो हमने इसका टाइप दिया था टेक्स्ट। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा के इसका पैडिंग लगाएंगे, पैडिंग देंगे 5 पिक्सल, तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया। उसके बाद हम इसका मार्जिन दे देंगे 0, मार्जिन 0, और इसका बॉर्डर भी नॉन कर देंगे, जो हमारा बॉर्डर दिख रहा है, ये जो हमारा इसका बॉर्डर दिख रहा है इसको बॉर्डर नॉन कर देंगे, बॉर्डर इसका अंदर जो बॉर्डर दिख रहा है इसको बॉर्डर नॉन कर देंगे तो नहीं दिखेगा। तो देखते हैं इसका, ये हमारा बॉर्डर सही हो गया इसका। ओके, और इसका, इसका बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, कंट्रोल एस कर लिया तो हमारा बॉर्डर रेडियस हो गया। इसका आउटलाइन, आउटलाइन इसको नॉन कर देंगे, आउटलाइन को नॉन कर देंगे। ओके, तो हमारा ये हमारा नेबर बन के कंप्लीट हो गया।
कैसी लगी वो वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।